मतलब 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप 2.5 मिनट नहीं चला, और उसके बाद में सॉल्यूशन ऐसे ऐसे है, मतलब माशाल्लाह क्या ही बोले इसको। गुड मॉर्निंग। सो भैया एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे वाला सीन शुरू हो गया, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज फाइनली हमारा एक सरप्राइज आ रहा है, तो हम जा रहे हैं बस अड्डे और वहां से एक पार्सल क्रैक करना है, और उसके बाद हम उसे करेंगे अनबॉक्स, विच इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज माय यंगर ब्रदर है सेंड मी। यार मैं अभी ना बस स्टॉप आया हूँ और बस नहीं आई है। आई थिंक वो जो वर्कर्स आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर छोड़ने के लिए गई है। बट मुझे यहाँ पे बहुत ही सैड पार्ट दिखा है, विच इज ये सारी की सारी वोल्वोज जो मनाली पे कभी नहीं होती है, सारी खाली खड़ी हुई है, विच इज वेरी वियर्ड साइट। कोई नहीं है, एकदम सुनसान। आई रिमेम्बर यार, मैं मतलब 10 साल पहले भी यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी ना, ताम झाम होता था बहुत ज्यादा। तो आज एकदम खाली पड़ा हुआ यार। आई होप चीजें बहुत जल्दी सही हो जाए और टूरिज्म रिवाइव करे। अभी का तो यही हाल है यार। देखिए यार, हमारा बहुत बुरा वाला कट चुका है। हम पहुंचे और वहां पे पता चला कि बस आई नहीं है। शायद वो जो वर्कर्स है उनका क्वारंटीन सेंटर छोड़ने गई है, इसलिए थोड़ी लेट हो रही है। तो अभी हम वापस से घर आ गए और बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए। चलो यार, होता ना कि नया खिलौना आने वाला होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, तो वैसा कुछ है। तो यार, 2 चक्कर लगाने के बाद में भी आई थिंक गाड़ी हमारी नीचे भुंतर पे खड़ी है, और मतलब वो कुछ एंट्री वेंट्री करा रहे हैं तो उसका भी मसला वसला है। तो हम शायद वापस 1 बजे फिर से आना है अपने को। और अभी हम कुछ टेंट के कपड़े वपड़े फाइनल करने जा रहे हैं। चलिए भैया, ऐसे लगे हुए हैं हम ड्राइवर को ट्रेस करते हैं। भैया का नाम क्या है ड्राइवर का? राम सी आई डी नाम है भैया ड्राइवर का, और वो ला रहे हैं हमारा लैपटॉप। अरे यार, रिवील कर दिया मैंने। बट ठीक है, ये लड़की बहुत खुश हो रही है। अरे सी आई डी मतलब देखा तुमने CID? पूरा CID, ब्रांड पेट्रोल सब कुछ। बाकी ठीक है, पीछे कॉलिन लगते दिख रहे हैं। ओह क्लॉथ्स वो कहते हैं ना तुम अंग्रेजी में। चलो भाई, तुम भी काम करो। ये लड़का वही है जिसकी 2 दिन पहले दाढ़ी थी, अभी हम वही बात कर रहे थे। हमें बताया गया था बस का नंबर 5174, तो हमने अभी नंबर मिला लिया है। इसी बस के अंदर हमारा माल आया है। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मतलब हम तो कर ही रहे हैं, बाकियों का नहीं पता। मतलब कि कमाल की बात पता है क्या है, जो दूसरी बसें खड़ी हैं इनके घास उग चुकी है, ये देख रहे हो टायरों के बीच में, इतने दिनों से खड़ी हुई है यार। टूरिज्म की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ये देखिए, हिली ही नहीं है बस, जंग लग गया है। अरे भैया जल्दी शुरू करो। राम जी हमारा माल लेके आ रहे हैं फाइनली। ओके, दिस इज फ्रॉम फ्यूचर वर्ल्ड एंड दिस इज माय न्यू मैकबुक। थैंक यू भैया। ना छड़को दबा के चल, दो दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ, किराया भी दे देंगे। फाइनली भैया सामान पहुंच गया है। और जो लोग भाई दिल्ली से मतलब नहीं आ पा रहे हैं ये कुछ, तो जो वोल्वो चल रही हैं उनके ड्राइवर्स को आप सामान दे सकते हैं, वो यहाँ पहुंचा देते हैं, थोड़ा पैसा लेते हैं। मतलब इतना तो बनता है यार, क्योंकि बस पूरी हाँ मतलब बहुत सेफली पहुंचा दी अभी तक तो, बाकी खोल के देखूंगा मैं। बट अगर किसी का सामान आना है पहाड़ों में तो वोल्वो से मंगा लो यार, मतलब काफ़ी सही तरीका है, तो बहुत ही मतलब रिलायबल भी लगा अभी तक तो मुझे। चले भैया राम राम, चलान कट जाएगा नहीं तो। फाइनली सेटअप वेटअप के लिए लगा दिया, और ये हैं दगाबाज इंसान जो काम करते हैं एप्पल के ऊपर और तारीफ करते हैं विंडो। जब से मेरा मैक मतलब लैपी आया है, जब से इनका ये चालू है कि भैया इतने में तो मतलब ताजमहल आ जाता, इतने में कुतुब मीनार आ जाता, संसद बन जाती, विंडोज़ का वो वाला सुपर कंप्यूटर बन जाता जिसके अंदर से 2 एलियन निकल के घर पे झाड़ू पोछा करके जाते, तो ये वो शख्स है। बट हम फिर भी हम वफादार हैं और हम इनको अपने जश्न में शामिल करेंगे, चिड़ा चिड़ा के पेस्ट्री खाएंगे इनके साथ। चलिए आप भी। A few moments later. मैंने पता है ये लैपटॉप लिया था कि मैं वीलॉग्स थोड़े से क्वालिटी इंप्रूव कर पाऊंगा और मतलब थोड़ा स्पीड अच्छी कर पाऊंगा और चीजें कर पाऊंगा बेहतर। बट पिछले मतलब कल दोपहर से इन शॉर्ट मतलब मैं ट्रबल शूटिंग ही करे जा रहा हूँ, अभी भी लैपटॉप लगा हुआ रिपोर्टिंग पे, मैं एप्पल कस्टमर केयर पे बात कर रहा हूँ एंड कोशिश कर रहा हूँ कि
हो सकता है सॉफ्टवेयर इश्यूज हो और ठीक हो जाए, बट बात यह है कि आप अपना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बना रहे हो भैया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं। मतलब आप एक मतलब आपको सिर्फ हार्डवेयर बना के ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है और वो आपका सबसे महंगा डिवाइस है भैया, वो भी नहीं कर सक रहे आप ढंग से, उसके लिए भी कस्टमर मतलब पहाड़ों में फंसा हुआ लगा हुआ है यार। मतलब शर्म आनी चाहिए यार, क्या ही बोलूं मैं। पर ठीक है, कोशिश करते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो वही हालत है अभी। चलिए भैया थोड़ा कोऑपरेट करो यार, एक दो दिन के लिए मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्टे विद मी, जब ये चीज़ सही हो जाएगी आई प्रॉमिस यू रियली गुड बी रोल्स एंड गुड ब्लॉग्स। इवन मेरे सॉफ्टवेयर भी हैंग कर रहे हैं, ये FCP भी हैंग हो चुका है, जबकि मैंने कुछ नहीं डाला है लैपटॉप में, एकदम खाली पड़ा है। और फाइनल कट प्रो ये है, खुल ही नहीं रहा है अभी। क्या बता रहे थे भैया? अरे बता दो, हिपोक्रेट बोलोगे मेरे को। अरे मैं एप्पल मेरा नहीं है, मैं मजबूरी में यूज कर रहा हूँ, मैं एप्पल यूजर नहीं हूँ भैया। ठीक है, मान लिया आप एप्पल यूजर नहीं है, मैं भी मतलब मजबूरी में ही बना हुआ हूँ। तो आप वो दलदल वाली क्या कहानी सुना रहे थे? वही है कि आप जैसा बोल रहे थे कि इजी पड़ता है सारा डिवाइसेस, इसको उसको ट्रांसफर करना, ये वो क्विकस्टैंड वाली बात है कि आप एक पैर जाता है, आप उसको निकालने के लिए हाथ पैर मारते हो, फिर अंदर दबते जाते हो, एक डिवाइस के चक्कर में दूसरा डिवाइस खरीदते हो। वॉच एप्पल की वॉच हो गई, फिर आपका ये हो गया मोबाइल हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, फिर टैब हो गया, ऐसा कर करके दो चार चीज़ें और खरीद ली, फिर वैसे ही घुसते जाते हैं और क्या। तो बाकी सब ठीक है, पर नाक में उंगली डालने से बाहर निकलाते हैं क्या? बिजली तो मतलब इंसानी ये है, फितरत है। इंसान बता दो मेरे को धरती पे जो नाक नहीं फुटाता, मैं फुटाना बंद कर दूंगा। चले भैया आप ना की खुजली जारी रखिए, हम एप्पल को गरियाना जारी रखते हैं। वही है ना, 2.5 लाख का लैपटॉप और साथ में क्या आ रहे थे, दुख दर्द। कुछ एक्सेसरीज आए तो मजा भी आए। चले भैया डीजे भाई, दो दिन की मशक्कत के बाद फाइनली लैपटॉप चार्ज हो रहा है, बट अब एक नई चीज सामने आ गई है। अभी इतना ज्यादा हीट हो रहा है, मैं नॉर्मल एक 10 मिनट का वीडियो जो अभी व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, इसी व्लॉग को मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मतलब इतना ज़्यादा मतलब फैंस जो इसके हैं जो लैपटॉप यूज़ करते हैं समझ रहे होंगे, फुल थ्रॉटल पे हैं और ऑलमोस्ट बैटरी 50% 2 घंटे में डिस्चार्ज हो गई है, और ये कहते हैं 11 घंटे का बैटरी बैकअप है। और अब मुझे सॉल्यूशन क्या दिया जा रहा है कि अब विद इन 7 डेज दिल्ली आ जाओ, नहीं तो इसको रिपेयर करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। मतलब 2.5 लाख रुपये का लैपटॉप 2.5 मिनट नहीं चला, और उसके बाद में सॉल्यूशन ऐसे ऐसे हैं, मतलब माशाल्लाह क्या ही बोलें इसको। मैं मतलब एकदम परेशान हो चुका हूँ यार, अब मतलब 2 दिन से लगातार तो अब नहीं हो रहा है यार। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, आप मतलब थोड़ा कोऑपरेट करो यार एक दो दिन। और हाँ मैं क्या ही बोलूँ, लाइक शेयर जो भी है मतलब देख लो यार। चलिए गुड नाइट।